Hi, in this video you are going to learn question number 4 of practice set 1.2. So let's begin with it. चलो सबसे पहले देखते हैं बच्चों क्या दिया है. Given क्या है इस question में, अब देखिए diagram दिया है, angle की value दी है, measure of some angles in the figure are given. सबसे पहले given लिख लेते हैं. Okay, given में क्या लिखेंगे आप, सर यहाँ पे एंगल की वैल्यू दी है ए पी क्यू. ओके देता हूँ, वैल्यू दिया है एंगल का तो एंगल की वैल्यू लिख लेते हैं. और कुछ दिया बच्चों? यस, एंगल ए बी सी की वैल्यू दिया है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी हाउ मच 60 डिग्री. फर्स्ट स्टेप हो गया, हम गिवन लिखना सीख गए. नेक्स्ट स्टेप सीखते हैं. अगला स्टेप हमारा क्या होता है, ये लिखना कि क्या प्रूफ करना है. याद देखिए क्लियरली मेंशन है क्या प्रूफ किया करना है. ए पी अपॉन पी बी, उनको चाहिए ए पी अपॉन पी बी एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमको फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है. तो चलिए देखते हैं है क्या, डायग्राम में जाके देखते हैं क्या इन्होंने, क्या भाई क्या पूछा है आपने. ए पी पी बी, ए पी अपॉन पी बी, ए क्यू अपॉन क्यू सी. तो बच्चों कुछ याद आ रहा है, सर ये तो अपॉन अपॉन पूछा है, ये जरूर कौन से फॉर्मूले में आता है, बीपीटी. बीपीटी में आपने देखा है ट्रायंगल लिखते हैं, ये रहा बीपीटी थ्योरम, में कैसे ट्रायंगल लिखते हैं, ट्रायंगल का नाम तो दिया ही है, ए बी सी लिख देंगे. उसके बाद क्या करेंगे, पैरेलल लिखते हैं और उसके बाद आपको अपॉन अपॉन मिल जाता है. ये हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखा है, पहले ट्रायंगल पकड़ना है, उसके बाद पैरेलल दिखाना है, उसके बाद अपॉन अपॉन मिलेगा, रेशियो मिल जाएगा. और सिंपल है क्वेश्चन, बट ये कौन सा है, इसमें वैल्यूज तो दी नहीं है पुट करने के लिए, सिंप्लीफाई भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे जुगाड़ मेथड यूज करना है. कैसे जुगाड़ मेथड यूज करना है, बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ कुछ वैल्यूज एब्सेंट है, सर कोई वैल्यू एब्सेंट नहीं है, है पैरेलल तो है ही नहीं, पैरेलल तो दिया ही नहीं है, पैरेलल नहीं रहेगा तो आप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे. सबसे पहले पैरेलल लाना होगा. तो सर पैरेलल तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आता है, बच्चों यहाँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पैरेलल नहीं मिलेगा, आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड वाला सिस्टम यूज करना पड़ेगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. यहाँ देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, एफ के जैसा दिख रहा है, ऐसे जा रहा है. ए? जब ऐसा डायग्राम बनता है तो इसको क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल. और करेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ने कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखा है क्या करना होता है, कुछ याद आ रहा है. यस सर, पहले एंगल दिखाते हैं इक्वल, तो आप दोनों एंगल को इक्वल दिखा देंगे. एंगल इक्वल दिखाने के बाद क्या करना होता है, बट करके लिखना होता है, बट दीज आर अल्टरनेट सॉरी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ठीक, जिसके वजह से क्या मिल जाएगा, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है. जब करेस्पॉन्डिंग एंगल है तो पैरेलल हो जाएगा और लिख दोगे आप करेस्पॉन्डिंग टेस्ट टेस्ट. क्लियर, ये फॉर्मूला है. तो स्टार्ट करते हैं, अब फॉर्मूला तो हमने रिवाइज कर लिया, लिखते हैं इस सम को सॉल्व करते हैं. आपको समझ में आ रहा है हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज पैरेलल जो हमको यूज करना है ये हमको दिया नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करके पैरेलल को फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए इसको जुगाड़ मेथड मैंने कहा. जैसा कि मैंने इस जुगाड़ मेथड में आपको बताया है, जहां पे आपका सोचने का जो सिस्टम है वो खत्म हो, आपकी थिंकिंग जहां पे स्टॉप होती है वहां से लिखना शुरू कीजिए. तो सबसे पहले अब हम लोग को पैरेलल लाना है, क्लियर. तो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट पॉइंट. सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एंगल दिखाने, एंगल जो यहाँ पे दे रखा है ए पी क्यू इक्वल्स टू ए बी सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ईच 60 डिग्री.
दोनों 60 डिग्री है, इसके वजह से ईस्ट 60 डिग्री। अब लिख दीजिए यहाँ पे बट वाली लाइन, बट दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, देयरफॉर करेस्पॉन्डिंग एंगल है जिसके वजह से आपको क्या मिल जाएगा, पैरेलल मिलेगा। क्या पैरेलल होगा? कि सर पी क्यू पैरेलल होगा किसके, पी सी के। कहेंगे आप सेक पी क्यू पैरेलल साइड पी सी, या आप लिखेंगे और यहाँ पे आपको लिखना होगा करेस्पॉन्डिंग। तो उम्मीद है आपको फॉर्मूला तो रिवाइज हो गया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करने के काबिल हो चुके हैं, बिकॉज वी हैव एवरीथिंग। हमारे पास ट्रायंगल है तो लिखेंगे इन ट्रायंगल। लिखने का स्टाइल क्या है, पहले ट्रायंगल पकड़ते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। सिंस करके आप पैरेलल दिखाएंगे, सेक पी क्यू इज पैरेलल टू साइड पी सी। यहां पे लिखेंगे सॉरी गिवन नहीं, फ्रॉम वन। ये तो जुगाड़ किया है ना आपने, फ्रॉम वन। आपको ये पॉइंट मिला है फ्रॉम वन। ओके, देयरफॉर एक बार आपको यहां पे पैरेलल मिल गया तो आप अपॉन अपॉन लिख सकते हैं। लिख दीजिए अपॉन अपॉन, एकदम सिंपल है। एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यू सी। और यहां पे रीजन लिख दीजिए, फॉर्मूले का नाम, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम में क्या होता है, हमें अपॉन अपॉन मिल जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और आप जो आंसर है आपका, इसको बॉक्स में रख दीजिए, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाए। हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस कुछ वैल्यूज एब्सेंट थी, जुगाड़ मेथड से हमने जुगाड़ कर लिया और सॉल्व कर लिया। बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कमेंटिंग और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, प्लीज लाइक इट इमीडिएटली। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।